बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधी हर रोज किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस असहाय दिख रही है। ताज़ा घटना गया की है, जहां गुरुवार को गवाही देने जा रहे युवक को सरेआम अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। अस्पताल ले जाने के क्रम में युवक की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि इसके पहले भी इस युवक पर फायरिंग की गई थी, लेकिन वो बाल बाल बच गया था। गौरतलब है कि गया में कचहरी कैंपस के बाहर बिसार तालाब के पास बीच सड़क पर कोर्ट में गवाही देने जा रहे युवक को अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। गोली चलने से कोर्ट के अंदर और बाहर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची सिविल लाइंस पुलिस ने घायल युवक को मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक युवक की पहचान बाबू भाई के रूप में हुई है। इस युवक पर एक माह पहले भी विष्णुपद थाना क्षेत्र के पास भी अपराधियों ने गोलियां चलाई थीं। उस समय भी बाबू भाई बाल बाल बच गया था। गुरुवार की दोपहर करीब 1 बजे बाबू भाई एक केस की गवाही देने के लिए बिसार तालाब वाली सड़क से कोर्ट के अंदर जा रहा था, लेकिन कोर्ट में घुसने से पहले ही अपराधियों ने उसे पीछे से गोली मार दी। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। ये तकरीबन 1 घंटे पूर्व की घटना है। यहाँ पर डिग्गी तालाब है और कोर्ट परिसर के बीच में रास्ता है, यहाँ पर तालाब की तरफ जाती है, इसी रास्ते पर घटना है। बाबू रजक नाम का व्यक्ति है और जो विष्णुपद चांदचौर इलाके का रहने वाला है, और इसी को सूचना मिली है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारी है और उसको अभी घायल अवस्था में मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। एक बार हम लोग वहाँ से विस्तृत बयान मिलेंगे, उसके बाद ही हम लोग पता कर पाएंगे कि घटना के पीछे कारण क्या है। फिलहाल हम लोग यहाँ आसपास सूचना इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या घटना थी, क्या था बाबू धोमी का भी बैकग्राउंड, हम लोग जो बाबू रजा केस का भी बैकग्राउंड खंगाल रहे हैं, और उसके बाद ही हम लोग कुछ इसमें विस्तृत रूप से बता पाएंगे। कोर्ट में थे 4 लड़के थे, बाबू भाई, हम मेरा नाम धीरज कुमार, शिवम कुमार, बुलेट, चार वो थे, और 10 गाड़ी जिस टाइम बैठे हैं, और हम शिवम भी अभी गाड़ी स्टार्ट किए हैं, और उतने में शिवम भी आगे बढ़ गए हैं, हम लोग पीछे थे, गोली उतने में मार दी, सट की गोली मारा है। जैसे बात था ना, कोर्ट किस लिए गए थे आप लोग? गेट पर गए थे, मतलब किसके? इन लोग का चल रहा था कोई थोड़ा सा अलग मामला, मामला बिठल का राहुल का केस चल रहा था, वही मैटर चल गया था, उसी में गए थे। विमर्श न्यूज़।